सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फाइनेंशियल एंगल है उसके अंदर हमने अलग से एलिजिबिलिटी को असेस करना है और प्रॉपर्टी एंगल में अलग से। तो हमने अपने पहले प्रॉपर्टी असेसमेंट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज और उनके अंदर हमारा जो डिफरेंट कंफर्ट लेवल्स है वो लास्ट वीडियो में प्रॉपरली हमने डिस्कस करे हैं। तो अभी जो प्रेजेंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम अब अपना सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लोन टू वैल्यू रेशो। लोन टू वैल्यू रेशियो, दिस इज ये क्या चीज है लोन टू वैल्यू रेशियो? ये एक आपकी उसके ऊपर एलिजिबिलिटी ही है, ये एलिजिबिलिटी है बेसिस प्रॉपर्टी जो मैं आपको शुरू से डिस्कस कर रहा हूँ कि एक तो आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है और एक आपकी प्रॉपर्टी के बेस पे एलिजिबिलिटी है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी ही है कि आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर कितना लोन दे सकते हैं। तो अगेन ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी ऑफर हो रही है। तो लोन टू वैल्यू रेशियो है क्या? जो लोन टू वैल्यू रेशियो है, लोन टू वैल्यू, वैल्यू मींस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। लोन इज लोन अमाउंट, जो आपको लोन अमाउंट देना है, मतलब जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर आप कितना लोन देंगे, दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो। बहुत सिंपल है। तो इसके अंदर क्या पार्ट है, जो लोन तो कितना देना है वो तो हम देख लेंगे। सबसे पहले तो ये फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की क्या चीज है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या चीज है? फेयर मार्केट वैल्यू मीन्स कि जिस मार्केट वैल्यू पे ये प्रॉपर्टी बिक सकती है आराम से, तो वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। अब ये सोचना है कि ये कौन बताता है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की, इसको हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में कि ये टेक्निकल पार्ट क्या है प्रॉपर्टी का, ये फेयर मार्केट वैल्यू क्या है या और टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं प्रॉपर्टीज की, तो वो हम उस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वो एक टेक्निकल का पार्ट हो गया कि फेयर मार्केट वैल्यू। तो आपको जस्ट इसमें तो ये याद रखना है कि मार्केट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की, मार्केट व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कि मार्केट उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कितना पैसा देने को तैयार है, ये होगी थी मार्केट वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल, अब मैंने लास्ट वीडियोस में आपको समझाया था कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, प्लॉट है। अब प्लॉट में भी डिफरेंट पार्ट्स हो गए हैं, रेजी प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, इंडस्ट्रियल या अदर्स, आपकी एफडीआर है, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, आपकी एलआईसी पॉलिसीज, किसान सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये आ गए, या पीपीएफ है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज हैं। तो ये मार्केट वैल्यू क्या है? एफडीआर के केस में तो आप समझते हैं कि मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट कि जो वैल्यू ऑफ द, इनको मैं रेड लिखना चाहूँगा, इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, जो वैल्यू ऑफ एफडी है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एफडी, जो प्रिंसिपल वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू एफडी की। म्यूचुअल फंड्स के केस में क्या है, लेटेस्ट एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप म्यूचुअल फंड्स में दे रहे हैं, ये आपको उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेके पता लग जाएगा म्यूचुअल फंड्स की। तो देखिए, जो ये मैं स्कीम्स, जो ये लोन टू वैल्यू मैं रेशियो बता रहा हूँ, ये वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये रेशियोज बदल जाएंगी, वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। और ये एक चीज आप ये भी याद रखना, डिफरेंट बैंक्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ कंफर्ट्स ऑन प्रॉपर्टीज।
अलग अलग बैंक्स अलग अलग तरह का कंफर्ट है रखते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब ये चीज मैं समझाऊंगा कि किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए है, ये वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। अब वो कंफर्ट, कंफर्ट की बात है कि इसके ऊपर कंफर्ट कितना लेना है। मैंने आपको पहले बताया कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में कंफर्ट कम होता है। तो जो वर्किंग कैपिटल का केस है, तो जो मोस्ट ऑफ द बैंक्स है वो बोलते हैं कि जो हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है इसकी 1 करोड़ की मार्केट वैल्यू का 80% हम लोन दे देंगे, 80% लोन दे देंगे। कुछ बैंक्स बोलते हैं कि हम नहीं जी, हम 60% देंगे, कुछ कहते हैं हम 70% देंगे, कुछ कहते हैं 75% देंगे। ये अलग अलग कंफर्ट लेवल है अलग अलग बैंक्स के हिसाब से। आप जिस बैंक में काम कर रहे हैं या जिस बैंक में जॉब करना चाहते हैं, आप अपने बैंक का कंफर्ट लेवल देखिए कि आपका बैंक कितना लोन करने को तैयार है। अगर 1 करोड़ की मार्केट वैल्यू है और आपका जो बैंक है वो 80% पॉइंट पे कंफर्टेबल है, या 60, फॉर एग्जाम्पल 60% पे कंफर्टेबल है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है प्रॉपर्टी बेस पे? 60 लाख रुपीज, 60 लाख रुपीज। अगर 60% पे आप कंफर्टेबल है, तो अगर आपका कोई और बैंक है, बड़ा बैंक है, ज्यादा कॉल ले लेता है, ज्यादा रिस्क उसको एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, वो कहता है 80% है, तो आपकी एलिजिबिलिटी 80 लाख हो जाएगी। फिर आप अपनी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी भी देख लो, प्रॉपर्टी वाइज एलिजिबिलिटी आपके पास आ गई, विच एवर इज लेस वो आपकी लोन अमाउंट बन जाएगी। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो फॉर एग्जाम्पल इसकी भी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इंडस्ट्रियल से कोई कंपेरेटिवली कंफर्ट लेवल ज्यादा है, तो कई बैंक इसके ऊपर 100% भी अलाउ करते हैं, कई बैंक इसके ऊपर बोलते हैं कि हम 80% देंगे। तो नॉर्मली 100 to 80% वेरी करता है, कई बोलते हैं कि 75% देंगे। तो अलग अलग बैंक का रिस्क एपेटाइट है इसके ऊपर। तो नॉर्मली जो बैंक्स हैं इसके ऊपर इस रेंज में दे देते हैं, 100 या 80% की रेंज में लोन कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो आपका जो परसेंटेज ऑफ लोन है वो बढ़ जाएगा अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफर करते हैं। तो अगर 100% है तो आप इसके ऊपर 1 करोड़ का ही लोन दे पाएंगे। जो एक कंफर्ट लेवल है ना, जो ये 80% 60% है, दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो ओनली। कि इस जैसे ये 60% 60 लाख बना था, दैट इज द लोन अमाउंट, दैट इज द वैल्यू, दैट इज द परसेंटेज, यानी ये है लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन 60 लाख डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू 100 लाख, दैट इज 60% लोन टू वैल्यू रेशियो। ये कंफर्ट लेवल ही एलटीवी है, इसको एलटीवी परसेंट बोलते हैं। ये बैंक टू बैंक वेरी करती है एलटीवी। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी मैंने बोला था कि आपको कंफर्ट लेवल ज्यादा रहता है। तो मोर और लेस अगर आप ज्यादातर देखेंगे तो इट इज सेम एज रेजी इन मोस्ट ऑफ बैंक। इसके ऊपर जो बैंक एलटीवी रखता है या जो अपना कंफर्ट लेवल रखता है, जो एलटीवी को मैं कंफर्ट लेवल भी बोलता हूँ, तो वो मोर और लेस रेजी के इक्विवेलेंट ही होता है। अगर यहाँ पे 100% है तो इसके ऊपर भी आप 100% अमाउंट का लोन देख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी भी 1 करोड़ की बन रही हो। तो प्लॉट्स हैं, तो जो रेजी प्लॉट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू सबकी अज्यूम कर रहा हूँ मैं 1 करोड़ ही है, रेजी प्लॉट्स हैं, तो नॉर्मली जो बैंक्स हैं इसके ऊपर 70 to 80% फंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं रेजी प्लॉट्स के केस में। और सिमिलरली कमर्शियल प्लॉट्स के केस में भी 70 to 80% अमाउंट फंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो इंडस्ट्रियल या अदर प्लॉट्स हैं उनके ऊपर, उनकी वैल्यू के ऊपर 40 to 50% एलटीवी रखते हैं, यानी कि 40 to 50% फंडिंग के लिए ही वो तैयार होते हैं इनके ऊपर। तो अगर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आपके पास 1 करोड़ की आ रही है, अगर आपका बैंक 40% करने को करना चाहता है, तो आप इसके ऊपर 40 लाख का ही लोन दे पाएंगे, 40 लाख ही आपका लोन अमाउंट बन पाएगा इसके ऊपर। तो जो बाकी एफडीआर हैं इनके ऊपर कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा खासा बन जाता है। तो कई बैंक इसके ऊपर 100 to 110% भी फंड कर देते हैं, 100 to 110% भी फंड कर देते हैं। कई बैंक, सरकारी बैंक, कई मैंने देखा है 90% पे भी फंड करते हैं इसको। अगर 1 करोड़ की आपने एफडी दी है तो आप 90 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं। अगर आपने 1 करोड़ की एफडी दी है या तो 110 लाख का लोन आपको दे देगा बैंक, या आपको 100 लाख का लोन दे देगा बैंक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बैंक के अपने अपने नॉर्म्स हैं कि वो नॉर्मली 100 to 110% की रेंज में आपको लोन मिल जाता है। जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स जो आईएलएनएफ के, जो आपने इंस्टेंस के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप उसके बारे में गूगल में रिसर्च कर लीजिए आईएलएनएफ के बारे में, कि उसमें म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स में क्या प्रॉब्लम्स आई थी। उसकी वजह से थोड़ा सा बैंक कंजर्वेटिव हो गए म्यूचुअल फंड्स में। प्रायर टू इस इंसिडेंस के, जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अराउंड 80 to 85% अमाउंट का लोन मिल जाता था, तो अभी जो स्कीम्स हैं इसकी वजह से काफ़ी हिट हुई हैं, तो अभी ये रेंज 70 to 85% की रेंज में चली गई है। तो डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कंफर्ट लेवल्स हैं। तो यूजली कोई बैंक्स अपने लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट रिलीज करते हैं कि अगर ये
म्यूचुअल फंड्स आपके पास आ रहे हैं तो उसके ऊपर हम इतना कंफर्ट ड्रा डाउन करेंगे, अगर ये आ रहे हैं तो हम उसके ऊपर इतना कंफर्ट लेवल ड्रा डाउन करेंगे, तो वो ये चीज़ आ जाती है। तो ये PPF NSE LSE KSE इसके ऊपर वही आपका 85-100% के ऊपर अपना कंफर्ट लेवल रहता है। नॉर्मली बैंक इसके ऊपर 90-100% तक भी दे देते हैं लोन। तो ये एक आपका LTV लोन टू वैल्यू रेशियो इज नथिंग बट कि आपका लोन के ऊपर कंफर्ट लेवल कितना है, वही चीज बताती है कि जो लोन की वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर आप कितना लोन देने के लिए तैयार हैं। तो वो एक परसेंटेज के रूप में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है तो 60% देने के लिए तैयार है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो हम 100% देने के लिए तैयार है। तो ये आपका वेरी कर जाता है प्रॉपर्टी वाइज एंड केस टू केस बेसिस। तो आपको अपने बैंक के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा इसमें। मैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं इसमें बैंक्स में किसी के इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस डिस्कस नहीं करूंगा किसी भी बैंक के कि क्या है क्या नहीं। तो ये बैंक टू बैंक अपनी डिफरेंट कॉल है कि हर एक बैंक के अंदर LTV का लेवल क्या है। बट जस्ट मेरा इसको समझाने का आपको एक आइडिया ये है कि आपको ये समझ लग जाए कि ये बैंक प्रॉपर्टीज को किस एंगल से देखता है। तो हम अभी जो पार्ट इसको फिनिश करके जो अभी हम नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करनी है। तो इसके साथ में मैं एक और चीज़ भी, एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर। जो ये प्रॉपर्टीज़ का हम कंफर्ट लेवल बनाने की बात करते हैं तो अकॉर्डिंगली बैंक्स में इनके नॉर्म्स कई बार और भी तरह डिफरेंट हो सकते हैं, इसके अंदर और भी वैरायटी ऐड हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी, अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है या वो अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब उसके ऊपर अभी तो वो पूरी बनके कंप्लीट हुई नहीं है। तो आप अगर वो उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हो तो कल को आपने मॉर्गेज करने के बाद क्लाइंट ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बंद कर दी, कंस्ट्रक्शन नहीं कराई, उसकी कंस्ट्रक्शन आधी दूरी छोड़ दी, तो कल को आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी है, आधी दूरी कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी बेचनी है बहुत मुश्किल हो जाती है मार्केट के अंदर जो पूरी तरह से बनी नहीं है। तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो हो सकता है कि आप उसके ऊपर अपना LTV का कंफर्ट कम लो, आप बोलो कि मैं उसके ऊपर 100% नहीं दूंगा, मैं उसके ऊपर 80% ही फंड करूंगा, अगर चाहे आपका बैंक का रेजी भी 100% अलाउ करता ही है तो। सिमिलरली अगर वेकेंट प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आपका टर्म्स जो है डिफरेंट हो जाएंगी, वेकेंट प्रॉपर्टी या जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपकी टर्म्स डिफरेंट हो जाएंगी, या जो प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे रखी है उसके ऊपर आपका थोड़ा सा कॉल का लेवल डिफरेंट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट कॉल्स हैं आपकी कि आप प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कंफर्ट लेवल कितना ड्रॉ डाउन कर रहे हो। जो ये परसेंटेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ये एक मैक्सिमम लिमिट है। अगर बैंक कहता है कि मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे 100% देने को तैयार हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 1 करोड़ की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ गई तो आपके ऊपर कोई धक्का ही है कि आपने 1 करोड़ रुपया उसको अब देना ही देना है, अब आपकी बैंक की पॉलिसी करिए। ये एक मैक्सिमम लिमिट है 100% की, ये एक मैक्सिमम लेवल ऑफ कॉल है जो बैंक उस प्रॉपर्टी के ऊपर लेना चाहता है। रेस्ट डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी किस तरह से आ रही है, आप उस प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, उसका टेक्निकल या लीगल जो हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे वो किस तरह से है, या आपका केस के ऊपर कंफर्ट किस तरह से बन रहा है, आपको पार्टी किस तरह से लग रही है, आप किस तरह से उसके ऊपर फंडिंग करने के लिए तैयार है। आप इससे कम भी कर सकते हैं, तो अगर इससे ज़्यादा करना है तो ऑब्वियसली ज़्यादा करने की प्रोविजंस भी बैंक के पास होती है। अगर आपका बैंक 80% अलाउ करता है तो आप 85 पे भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके अथॉरिटी लेवल बदल जाते हैं। अब जैसे मैंने पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में समझाया था कि क्रेडिट मैनेजर होता है, उसका बॉस एरिया क्रेडिट मैनेजर है, उसका बॉस रीजनल क्रेडिट मैनेजर है, उसका बॉस जोनल क्रेडिट मैनेजर है और उसका बॉस नेशनल क्रेडिट मैनेजर है। अगर आप मान लो 80% आपके बैंक की मैक्सिमम लिमिट है तो अगर आप 80-85% देना चाह रहे हैं, 5% ज़्यादा देना चाह रहे हैं, तो हो सकता है जो आपका केस एरिया क्रेडिट मैनेजर या रीजनल क्रेडिट मैनेजर के लेवल पे प्रूव होना था वो इसकी वजह से, क्योंकि आप 5% डिविएट कर रहे हैं पॉलिसी से, तो वो केस अब जोनल क्रेडिट मैनेजर या नेशनल क्रेडिट मैनेजर की तरफ से प्रूव हो। तो नॉर्मली इस तरह से बैंक्स आगे भी बढ़ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर और कम भी चले जाते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो ये जस्ट एक गाइडेंस सोर्स है कि बैंक किस लेवल पे कंफर्टेबल है। तो समराइज करने में यही है कि एक कंफर्ट लेवल आपको देखना है कि अपने केस के ऊपर अपना व्यू बनाना है। अगर आपका केस बहुत ही अच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि यार सिर्फ 80% LTV की वजह से मेरा केस रुक रहा है या मैं अपना क्लाइंट को ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहा, अदरवाइज केस में कोई दिक्कत नहीं है, आप श्योर हो केस के बारे में, तो आप इस LTV से ज़्यादा की LTV के लिए भी डेविएट कर सकते हो, 85-90% जैसे भी आपका बैंक अलाउ करता है, और उस डेविएशन लेवल को जिस अथॉरिटी ने भी अप्रूव करना है और जोनल क्रेडिट मैनेजर या नेशनल लेवल पर अप्रूव होना है तो आप उसको प्रेजेंट करके वो डेविएशन ले सकते हो। अगर आपको केस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा तो आपके लिए भी ये भी मैंडेटरी नहीं है कि आप उसके ऊपर 100% की LTV दो। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैं रेजी पे भी 50% की LTV दूंगा अगर आपको ये केस ज़्यादा अदरवाइज कंफर्टेबल नहीं लग रहा, आपको फाइनेंशियल्स थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं या थोड़ा सा कंफर्ट लेवल उनके ऊपर कम नज़र आ रहा है,
तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको अगर इतनी एलटीवी है तो इतनी ही देनी है, इससे कम या ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट ऑन द केस। तो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज का टेक्निकल पार्ट डिस्कस करेंगे कि ये टेक्निकली प्रॉपर्टीज का एडजस्टमेंट क्या होता है। थैंक यू।